नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया के जिगना थाना अंतर्गत उद्गम ग्राम रोड पर घटना। तेज रफ्तार में आ रही फोर व्हीलर इनोवा गाड़ी ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर चार लोग सवार थे। तत्काल मौके पर जिगना थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों का पीएम कराया जा रहा है। जिगना थाना प्रभारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि दोनों गंभीर घायलों को दतिया जिले से कोले के लिए रेफर किया गया है। इनोवा गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाशी की जा रही है एवं गाड़ी भी कोलेर की बताई जा रही है। बाइक सवार सभी ग्राम बनौली के रहवासी हैं। इस मामले में एडिशनल SP कमल मोहन ने क्या कुछ कहा, देखिए दतिया से हमारी संवाददाता रजनी लटोरिया की इस खास खबर में। रक्षाबंधन का त्यौहार है आज, सभी लोग राखी बंधाने के लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिलों से, फोर व्हीलों से। तो जिसमें आज एक पलोथरा गांव पड़ता है हमारा थाना जिगना के अंतर्गत, वहां एक मोड़ है, उस मोड़ पे एक इनोवा गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल गाड़ी में एक्सीडेंट किया हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई है और उसका छोटा बालक है 3-4 साल का, उसकी मृत्यु हो गई है। पत्नी घायल है जिसको, और एक बच्ची भी घायल है, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस वहाँ मौके पहुंची और उनको सबको लेकर के हॉस्पिटल लेके आई, जहां उनको इलाजरत किया, किंतु मोटरसाइकिल चालक और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। अभी उसकी पत्नी और बच्ची घायल है, जिनको झांसी के लिए रेफर किया गया है। सरकार चालक पे क्या कार्रवाई रही सर? कार चालक इनोवा गाड़ी है जिसको वहाँ मौके पर पकड़ ली गई है और उसको लेके थाने लेके गए हैं। इनोवा का कार जो चालक है और उसमें जो भी लोग होंगे वो भाग गए मौके से।